भाई जो पहली लिफ्ट मिली है ऑटो वाले भैया ने दिया है। सिटी में ना लिफ्ट लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, एक बंदा हमारा बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो देख लगभग 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है और भाई का। जय श्री राम दोस्तों, तो आज हम जयपुर से निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए और देख सकते हो मेरे पीछे जयपुर सिटी रहने वाली है। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होगा वो चेकिंग का रहने वाला है, लिफ्ट ले लेके जाने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जयपुर से जैसलमेर की जो दूरी है 622 किलोमीटर है और मेरे पीछे देख लो कितना अच्छा व्यू है। तो देखते हैं, एक दिन में तो कवर नहीं हो पाएगा, शायद हमें दो दिन भी लग सकता है। तो ये हमारा ब्लॉग दो दिन का रहने वाला होगा और ये पीछे व्यू देख ही रहे हो आप। तो चलते हैं और लिफ्ट लेना स्टार्ट करते हैं। गाइस जो पहली लिफ्ट मिली है ऑटो वाले भैया ने दिया है, जयपुर के लोकल है ये, देख लो ऑटो वाले भैया यार काफी दिलदार भैया है, ऑटो रोक दिया हमारे लिए लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, शुक्रिया आपका। आपका नाम क्या है? दिनेश वर्मा। दिनेश वर्मा रहने वाला है भैया का नाम। तो चलते हैं बैठते हैं। गाइस कभी भी आप अगर टीम के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो मतलब सिटी में ना लिफ्ट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक ऐसा करा करो, सोलो लिफ्ट लिया करो सिटी में, उसके बाद हाईवे पे आप साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। सही बात है ना राजू भाई? बिल्कुल भाई, सिटी में जब 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलना पड़ता है, मतलब कहीं कहीं मिलती है कहीं कहीं नहीं मिलती है। हेलमेट जरूर ले लिया करो, एक बैग में रखा करो कैरी करके। देखो अभी हम पैदल चल रहे हैं, हम पे हेलमेट नहीं, हम भूल गए थे लाना, तो अभी जा रहे हैं हम पैदल, हाईवे आने वाला ही है अब। गाइस अभी हमें भैया ने लिफ्ट दे दिया है, ये देख सकते हो ई रिक्शा वाले भैया थे। थैंक यू सो मच भैया, आपका नाम क्या है? शिवा। शिवा नाम है भैया का, तो भैया ने हमारे लिए रोक दिया था, तो थैंक यू सो मच भैया आपका। तो चलते बैठते हैं। भैया लगभग मतलब हमें हाईवे के पास लेके आ ही चुके हैं और भैया ने हमें चाय ऑफर किया है, तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद बस आ ही गए हाईवे पे। थैंक यू सो मच भैया। गाइस अभी हम चाय वाय पी रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं, हाईवे आने वाला ही है, चाय पी के निकलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अजमेर हाईवे पे, 6 लाइन है, यहाँ पे इजीली लिफ्ट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलते हैं लिफ्ट लेना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अजमेर कितनी देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ से 121 किलोमीटर है, 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो चलते हैं और ट्राई करते हैं। गाइस जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अभी हमें मार्टिन भी मिल चुका है, एक बंदा हमारा बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो देखते हैं वो कब तक आता है। जब तक हम लिफ्ट लेने की ट्राई कर रहे हैं आगे तक पहुंचेंगे और उसे हमने बोल दिया है कि तू अजमेर में मिलियो, तो देखते हैं अजमेर कितने देर में पहुंच जाएंगे। कितना किलोमीटर होगा अभी यहाँ से अजमेर? अजमेर यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर बचा होगा, और 122 था वहाँ से, 100 बचा होगा और नहीं, 94 बचा हुआ है। तो चलते हैं और सीधा अजमेर में मिलेंगे। तो गाइस अभी हमें ट्रक की लिफ्ट मिल चुकी है, 60 किलोमीटर की लिफ्ट रहने वाली है और कहाँ की भैया? किशनगढ़ की, अजमेर से पहले है ना? हाँ। और ये भाई है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? अयूब। और भाई आपका? मनोहर। तो थैंक यू सो मच भैया, चलते हैं और आपको मिलते हैं किशनगढ़ में। तो गाइस अभी हमें अजमेर तक की लिफ्ट मिल चुकी है और ये भैया ने लिफ्ट दिया है, भैया की ये जीप है, तो चलते हैं बैठते हैं। थैंक यू सो मच भैया, तो चलिए बैठते हैं अब। बहुत ही गजब आप लोगों से मैं मिला, मैंने लिफ्ट नहीं दिया, एक्चुअली मैंने अपना मन बहलाया आप लोगों के साथ में और मैं हमेशा से ट्रेवल करता रहा हूँ, मैं खुद सोलो ट्रेवलर हूँ, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, घूमते रहो भाई, आज तक लाइफ में ना इतना एंजॉय नहीं किया जितना भैया के साथ किया है, काफी मजा आ गया हमें एंजॉय करके। तो थैंक यू सो मच भैया लिफ्ट देने के लिए और काफी अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। बाय दोस्तों, अभी हम ट्रक में बैठ चुके हैं, लगभग 100 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है और भाई का जो नाम रहने वाला है अल्ताफ है। थैंक यू सो मच भैया लिफ्ट देने के लिए। तो गाइस अभी देखो हम बैठ चुके हैं, ट्रक का नजारा कुछ ऐसा है अंदर से, और थोड़ा मैं बाहर का नजारा दिखाता हूँ, राजस्थान का पहाड़ों का नजारा दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा। ये देख लो भैया के ट्रक के सामने से नजारा कुछ ऐसा है राजस्थान का, देखो पहाड़ी पहाड़, सूखा पहाड़ है टोटल। तो चलते हैं अब, आपको मिलते हैं आगे। भाई अभी हम जो खा रहे हैं ना, इसका नाम क्या भैया? कटियावाड़ी पापड़ी। मुझे नहीं पता ये कहाँ का है, गुजरात का फेमस है ये, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, तो मैं अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये केले से बनता है ये, वैसे जैसे जैसे आलू से हम चिप्स। मस्त लग रहा है, बहुत मस्त है।
तो ये भैया ने ऑफर किया था हमें, तो अभी खा के मिलते हैं आपको। तो गाइस ट्रैवलिंग करते करते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला, और अभी हम जिस जगह पे है ना, इस जगह का नाम है पाली, और यहाँ से सिर्फ जैसलमेर रह गया 320 किलोमीटर, और हम यहीं पर रुक गए थे, 7 बज रहे थे, ज़्यादा रात हो रही थी इसलिए। ये भारत पेट्रोल पंप पे यहाँ पे हमने बात कर लिया था, और हम दोनों का टेंट लग चुका है यहाँ पे, देख सकते हो हमारा छोटा सा आशियाना, दो टेंट लगा लिया हमने। तो आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।